हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बिस्किट। घर में रखी हुई सिर्फ दो तीन सामान का यूज़ करके इसे बिना अवन हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम आटा से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कप आटा लिया है। आप कोई भी बर्तन एक सेट कीजिए, ग्लास या प्याला, उसी से सारी मेजरमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वही कप से हमने आधा कप बेसन लिया है। तो एक ही बर्तन के नाप से इसे हम बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेगा ये। और इसे हमें छान लेना है। तो देखिए, इसे हमने छान लिया है, इसमें थोड़ा सा आटा का चोकर निकला है, तो इसे हम फेंक देंगे। और वही कप से हमने, आधा कप से थोड़ा सा कम हमने शक्कर लिया है, और इसमें हमने तीन हरी इलायची डाले हैं, और एक चुटकी हम नमक डालेंगे। तो कोई भी मीठा सामान में अगर नमक डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो इसे हमने पीस लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर में इलायची डाल देने से ये बहुत ही आसानी से पीस जाता है। तो इसे भी हमने छान लिया है। ये काला काला जो दाना दिख रहा है वो इलायची का जो दाना होता है वही है। ये अच्छा तरीके से ये पीस चुका है। तो इसे हमें मिक्स कर लेना है हाथ से। और यहाँ पर हम आधा कप से थोड़ा सा कम हमने घी लिया है। ये घी इसी तरीके से होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए, पूरा मेल्टेड घी नहीं लीजिएगा। इसी तरीके का घी का टेक्सचर होना चाहिए। आप इसके जगह पर चाहे तो बटर, जिसे मक्खन बोलते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर घी कम पड़ जाए तो इसमें आप दो तीन चम्मच घी और ऐड कीजिएगा। लेकिन गलती से भी इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका बिस्किट खस्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसे सिर्फ मिक्स कर लेना है। तो इसमें भी दो तीन चम्मच हमने ऊपर से घी और डाले थे, कम पड़ गया था। तो इसे आटा की तरह बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, सिर्फ इसे हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाता है। तो ये एक शेप का बने, इसके लिए एक टेबल स्पून वाली हमने एक चम्मच ले ली है, ये मेजरिंग वाली है, ताकि ये एक शेप का ही बने। आप चाहे तो इसे गोले भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगी। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिएगा। इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, इसे हमने स्क्वायर शेप दे दिया है। आप कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हैं। एक बेसिक सा डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो छुरी से इस तरीके से मैं कट लगा ले रही हूँ। अगर एकदम शार्प चाहिए तो थोड़ा सा आप साइड साइड से भी कट लगा देंगे तो एकदम बराबर बन जाएगा। या इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रही हूँ, उस तरीके से भी आप इसे शेप दे सकते हैं। और ये हमने लिया है एक डेक्ची का ढक्कन, और इसके ऊपर हमने लगा दिया है एल्युमिनियम फॉइल। आप इसके जगह पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, हमने थोड़ा सा दूध लिया है, इसमें पीसी हुई शक्कर हमने थोड़ी सी मिक्स कर दी ताकि इसे घोलना आसान हो जाए। और इसे आप कॉटन के मदद से या ब्रश के मदद से इसके ऊपर आप दूध लगा दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा बिस्किट का। तो चलिए, हम इसमें लगा दे रहे हैं दूध। और ये देखिए, हमने दूध लगा दिए हैं, ये खूबसूरत दिखे। और इसमें अच्छा सा एक कुरकुरा सा टेस्ट शक्कर का आता है। तो थोड़ा सा शक्कर हमने डाल दिया है, और अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और शक्कर स्प्रिंकल करके डालिएगा। इधर हमने कढ़ाई 10 मिनट पहले ही चढ़ा दिया था, चूल्हे पे ढक करके चढ़ाए थे गरम होने के लिए। तो कढ़ाई गरम हो गया, बिस्किट डाला, और फौरन इसे हमने ढक देना है, नहीं तो जो हमने कढ़ाई को प्री हीट किया है वो गर्मी उसका कम हो जाएगा। और ये देखिए, 20 मिनट बाद ये बिस्किट कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आप चाहे तो इसे और भी डार्क कलर का कर सकते हैं। तो मैं एक बैच इसे ऐसे ही निकालूंगी, और दूसरा जो चढ़ाऊंगी थोड़ा सा मैं और डार्क कलर का करूंगी। तो अभी आप इसे निकालेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इसे ठंडा होने के बाद आप इसे निकालिए। बाकी का बचा सेम ऐसे ही बना लेना है। आप इसे ठंडा होने के बाद आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं।